सेक्स बढ़ाने के लिए खाने में क्या खाए, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। सेक्स कम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसके लिए तो फटाफट कोई डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपको वायग्रा की दवाई, सिल्डेनाफिल, टाडाफिल वगैरह दे देंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई दवाई कितने दिन लेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप खाने पीने में अच्छा बैलेंस डाइट रखते हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ेगा, सेक्स लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। क्या कि कुछ कुछ खाने की चीज़ ऐसी है कि जो एल अर्जिनिन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ाती है, और एल अर्जिनिन जो है ये एल अर्जिनिन प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो एल अर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्शन यदि बढ़ गई तो पेनिस में फ्लो बढ़ता है खून का। तो फिर इसका मतलब ऐसा है कि वो खाना हमने खाना चाहिए कि जिसमें एल अर्जिनिन ज़्यादा है। एल अर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेंगी या उसकी एक्शन बढ़ेगी, और यदि नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्शन बढ़ती है, फैसिलिटेट होती है, तो पेनिस की तरफ खून ज़्यादा जाएगा और इरेक्शन में फ़ायदा होगा। तो कौन सी कौन सी चीज़ें खाना चाहिए? एक तो नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको मटन, चिकन, फिश, ये जो है इसमें ये आइटम में बहुत ज़्यादा एल अर्जिनिन रहता है। वैसे ही बादाम, वेजिटेरियन जो खाते हैं बादाम, काजू, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है एल अर्जिनिन। फिर तरबूज, तरबूज की जो बीज है सीड्स, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो तरबूज की बीज सूखा के फ्राई करके जैसे भी खा सकते हैं, वैसे खाते हैं तो एल अर्जिनिन की मात्रा बढ़ जाती है और उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा कद्दू के बीज, वो लाल कद्दू मिलता है ना, तो लाल कद्दू की सब्जी खाने में लोगों को मज़ा नहीं आता। मतलब आपको पता होगा कि कोई भी होटल में हम जाते हैं तो कद्दू की सब्जी नहीं मिलती होटल में। मैंने ऐसे हार्डली मतलब ऐसा कोई होटल देखा होगा कि जहाँ वो मेनू कार्ड में लिखा है कद्दू की सब्जी, सफ़ेद कद्दू है लाल कद्दू, मगर ये लाल कद्दू के बीज हम खाते हैं फ्राई करके या सूखा के जैसे भी है, उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी रहता है। तो मैं तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको बोलता हूँ कि कद्दू और तरबूज ये दोनों के बीज खाते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फ़ायदा होगा। इसके अलावा सोयाबीन, फिर दूध के प्रोडक्ट्स, मतलब दूध है, चीज़ है, पनीर है, लहसुन जो लोग खाते हैं, लहसुन, गार्लिक, तो फिर गार्लिक और मेथी की सब्जी खाते हैं लोग, है ना, मेथी गार्लिक की सब्जी, लहसुन मेथी की सब्जी खाते हैं। अदरक, प्याज, इसमें भी एलर्जिन बहुत ज़्यादा रहता है अदरक में ज़्यादातर। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि एलर्जिन का प्रमाण, जब कद्दू की बात आती है तो कद्दू में एलर्जिन तो रहता ही रहता है, उसके अलावा विटामिन ई ज़्यादा रहता है, जिंक ज़्यादा रहता है। इससे होता क्या है कि जिससे आरबीसीज का प्रमाण बढ़ता है, और आरबीसीज का प्रमाण यदि बढ़ता है तो लाल पेशी तैयार होने में, हीमोग्लोबिन में भी मदद होती है। विटामिन सी जहाँ जहाँ ज़्यादा है वो भी हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जैसे आंवला हो उसमें विटामिन सी ज़्यादा है, या कोई भी खट्टी चीज़ जो है जिसमें विटामिन सी आपको ज़्यादा मिलेगा वो आप लेते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दो चम्मच भी कद्दू के बीज खाते हैं या तरबूज के बीज आप खाते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नेचुरल वायग्रा है, घरेलू वायग्रा, इससे साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, बाकी भी सेहत अच्छी रहेंगी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी फायदा होगा। ये घरेलू उपचार है, आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।